So what is NSS? As you all know, NSS means it's a national service scheme, right? राष्ट्रीय सेवा योजना जिसे हम हिंदी में जानते हैं और सभी स्टूडेंट्स को शायद पता होगा. The session will be conducted in dual language. I will inform you in the starting of the presentation, right? So here we have the awareness program, right? And I am the Mahesh Chavda. Welcome you all in this NSSL. I am the program officer of the NSSL of the DGMIT, right? So in future, if you have any query or any doubt or any question in your mind, you can contact me. We will resolve it, right? So the first thing is aim. As many students, right, काफी सारे students को होता है कि भाई कोई भी अगर चीज हम college में join करते हैं तो उसका aim क्या है, उद्देश्य क्या है. तो simple है NSS का, it is to understand the community. ठीक है, हमारे बीच काफी सारी आपकी societies रहती है. Okay, हमारा जो समाज है, right, उस समाज में क्या चल रहा है, कहाँ पे loophole है. हम काफी कई बार हमारे फ्रेंड सर्कल में साथ में बैठते हैं तो कई बार बातें करते हैं कि भाई इंडिया में ये क्या चल रहा है, ये वैक्सीनेशन ठीक से नहीं हो रहा है. ठीक है, कई बार आप देखते हो कि आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में काफी गंदगी वगैरह रहती है तो उसके ऊपर सभी जो यंग यूथ है, राइट, कॉलेज के बच्चे है, वो बैठ के बातें करते रहते हैं कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा है. ठीक है, हमारी सोसाइटी में इतना कचरा पड़ा है. या फिर कोई आपके आपके आप अगर गाँव में रह रहे हो तो गाँव में भी आपने देखा कि काफी सारी फैसिलिटीज है, उसमें लैकिंग रहता है, राइट, गवर्नमेंट से वो वहां पे नहीं पहुंच पाता. काफी सारे ऐसे एरियाज है, रूरल एरियाज है, जहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको काफी सारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज रहती है, राइट, उसके बारे में नहीं पता होता है. हम लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में भी पढ़ रहे हैं. वी आर द स्टूडेंट्स, राइट, वी आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन. सो हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, हमें हमारा हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो कम्युनिटी है, राइट, हमारे जो गाँव है, हमारा जो शहर है, राइट, उसको कैसे इंप्रूव करना है, उसके बारे में एक ठोस कदम भी लेने हैं. सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, हमें अगर कुछ करना है तो कैसे करेंगे, आप अकेले तो नहीं कर पाओगे. सो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक ऐसा एक पूरा हम जिसे हम बॉडी कहेंगे, राइट, एनएसएस सेल ऐसा एक क्रिएट किया है. और जिसका काम, जिसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है कि कम्युनिटी में अरस अरस परस में मिलके, साथ में जुड़ के, अच्छे से अच्छे, राइट, बेटरमेंट के लिए, नेशन के बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, और एंड में आपके खुद के लिए कुछ करें. और उसके लिए एक पूरा नेशनल लेवल पे एनएसएस स्कीम लॉन्च किया है, राइट. सो यू कैन सी द एस्टैब्लिशमेंट, कब शुरू हुआ था ये एनएसएस, 24 सितंबर 1969, राइट. 1969 को गांधी सेंचुरियन ईयर भी कहते हैं. गांधी सेंचुरियन ईयर मतलब क्या, आपको ये प्रश्न होगा, अगर कोई आपको, अगर आप एनएसएस वॉलेंटियर हो और कहीं पे घूम रहे हो और कोई किसी ने पूछ लिया कि भाई तू एनएसएस में है तो एनएसएस कब स्टार्ट हुआ था. सो इंडिया में एनएसएस एस्टैब्लिश हुआ था 24 सितंबर 1969 को, और 1969 को गांधी सेंचुरियन ईयर भी कहते हैं. क्यों गांधी सेंचुरियन ईयर कहते हैं, क्योंकि जो गांधी जी थे उनकी अगर आप बर्थ देखोगे तो वो आपको पता है, राइट, 2 अक्टूबर को उनकी बर्थ हुई थी इन 1869, राइट. 1869 में उनका क्या हुआ था, ये जो ईयर है 1869 में उनका बर्थ हुआ था गांधी जी का. और ठीक 100 साल बाद, देखो यहाँ पे, ठीक 100 साल बाद क्या हुआ है, एनएसएस जो है, एनएसएस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इन 1969. तो ये जो 100 साल बाद कोई भी चीज अगर आती है, ठीक है, किसी अगर बड़े जैसे कोई बड़े जो हमारे नेता है या कोई गांधी जी जैसे है, ठीक है, तो 100 साल बाद अगर उस ईयर में कुछ एस्टैब्लिशमेंट होता है तो उसको हम कहते हैं सेंचुरियन ईयर. सो गांधी जी के जो बर्थ है उसके 100 साल बाद हमने एनएसएस स्टार्ट किया था. और गांधी जी ने कहा था, खूब बहुत ही एक अच्छा उनका एक सेंटेंस है गुजराती में, कि मानव सेवा एज माधव सेवा, बराबर. आ एक सरस वाक्य गांधी जी ए कीधु तू के भाई तमारे माधव नी सेवा करवी होय ने तो तमारे पहला मानव नी सेवा करवी पड़शे, राइट. अने एमनो उद्देश्य पहलेथी ज हतो के आपनो जे इंडियन यूथ छे, राइट, दैट यूथ हेज टू बी इन्वॉल्व इन दी सोशल एक्टिविटी विलिंगली, बराबर छे, स्व इच्छाए लोको जॉइन करे. एवुं नहीं के फोर्सफुली भाई कॉलेज छे, कॉलेजे कीधुं छे कि भाई हवे बधाए जोडावानुं छे, तमने आना मार्क्स मळशे, बराबर छे, तमने मिड एक्जाम मां 3 मार्क्स वधारे मळशे, आवा प्रलोभन आपीने तमने जॉइन करवानो कोई उद्देश्य एनएसएस नो नथी,
રાઈટ, તમને અંદરથી થતું હોય કે ના મારે એનએસએસ જોઈન કરવું છે, મારે સમાજની મારે કોમ્યુનિટીની સેવા કરવી છે, તો અને તો જ તમારે એનએસએસ છે ધેટ યુ આર જોઈન ધેટ એનએસએસ ફોર ધીસ ટાઈપ ઓફ એક્ટિવિટી રાઈટ. જોઈનિંગ ધ એનએસએસ ધેર ઇઝ અ મેની બેનિફિટ્સ, બેનિફિટ્સ કયા છે એ પણ આપણે લેટર ઓન ઇન ધ સ્લાઇડ્સ વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ રાઈટ. સો કિસને સ્ટાર્ટ કરાયા હતા 1969 મે 24 સપ્ટેમ્બર કો એનએસએસ કા એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ હુઆ થા બાય એજ્યુકેશન મિનિસ્ટર ઓફ ડોક્ટર વી કે આર વી રાવ. ડોક્ટર વી કે આર વી રાવ જો થે રાઈટ, ઉન્હોને યે એનએસએસ કા એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કિયા થા ઉસ 1969 મે એનએસએસ કા સ્ટાર્ટ હુઆ થા વિથ 37 યુનિવર્સિટી એન્ડ 40,000 એનએસએસ વોલન્ટિયર રાઈટ. 1961 મે જબ ફર્સ્ટ ટાઈમ એનએસએસ સ્ટાર્ટ હુઆ થા, હમારે એજ્યુકેશન મિનિસ્ટર જો ઉસ ટાઈમ પે થે વી કે આર વી રાવ, ઉન્હોને યે શરૂઆત કરવાઈ થી ઓર ઉસ ટાઈમ પે 37 યુનિવર્સિટી જોઈન હુઈ થી ઓર અલોંગ વિથ 40,000 એનએસએસ વોલન્ટિયર રાઈટ. અગર આજ કી બાત કરે તો આજ તો પૂરે ઇન્ડિયા મેં ઠીક હે જીતની ભી યુનિવર્સિટીઝ હૈ, જીતની ભી સ્કૂલ્સ હૈ, સભી જગહ એનએસએસ એક્ટિવ હૈ ઓર ગવર્નમેન્ટ ભી કાફી સારી ફંડિંગ કરતી હૈ ઓર કાફી સારી એક્ટિવિટીઝ હૈ વો ભી આજ એનએસએસ કે જરીએ હો રહે હૈ રાઈટ. કોઈ આપકો પૂછતા હૈ કે હેડ ક્વાર્ટર કોણ સા હૈ, તો એનએસએસ કા હેડ ક્વાર્ટર હૈ ફ્રેન્ડ્સ, ઇટ ઇઝ ઇન ન્યૂ દિલ્હી. ન્યૂ દિલ્હી મેં આપકો એનએસએસ કા હેડ ક્વાર્ટર મિલ જાયેગા ઠીક હૈ. લોગો આપને યહાં પે જૈસે કી પીપીટી મેં યહાં પે આપ દેખ રહે હો યે ઠીક હૈ, ટોપ લેફ્ટ કોર્નર પે ધીસ ઇઝ ધી લોગો ઓફ એનએસએસ રાઈટ. નેશનલ સર્વિસ સ્કીમ, રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના, યે જો લોગો હૈ, યે લોગો કોઈ ભી લોગો અગર આપ દેખતે હો ઠીક હૈ, વો કિસી કંપની કા હો યા ફિર કિસી ઓર્ગેનાઇઝેશન કા હો રાઈટ, ઉસ લોગો કે અંદર કુછ મીનિંગ છુપા હોતા હૈ ફ્રેન્ડ્સ ઠીક હૈ, કુછ મીનિંગ છુપા હોતા હૈ. તો ફ્રેન્ડ્સ યે જો લોગો હૈ રાઈટ, યે લોગો કા ભી એક મીનિંગ હૈ, યે લોગો એસે હી નહીં બનાયા હૈ રાઈટ. યહાં પે આપ બીચ મેં એક એસે એક વ્હીલ જૈસા દેખ રહે હો, એક પહિયા દેખ રહે હો રાઈટ. યે એક્ચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ ધી સિમ્બોલ ઓફ, યુ કેન સી ઇટ ઇઝ ધ સિમ્બોલ ઓફ જાયન્ટ રથ વ્હીલ રાઈટ. ઓર યે જાયન્ટ રથ વ્હીલ હૈ વો કિસકા હૈ, ઇટ ઇઝ ધ વર્લ્ડ ફેમસ કોનાર્ક સન ટેમ્પલ વિચ ઇઝ લોકેટેડ ઇન ધી ઓરિસ્સા ઇન્ડિયા, જિસે બ્લેક પેગોડા કે નામ સે ભી જાના જાતા હૈ રાઈટ. હમારે દેશ મેં એક ટેમ્પલ હૈ રાઈટ, દેટ ઇઝ લોકેટેડ ઇન ધી ઓરિસ્સા, જિસકો કહા જાતા હૈ કોનાર્ક સન ટેમ્પલ. और इस कोनार्क सन टेम्पल अगर आप गए हो या फिर आपने गूगल किया है राइट, और अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल करके यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हैं कि कोनार्क सन टेम्पल का क्या महत्व है. तो ये कोनार्क सन टेम्पल है, वहां पे एक जायंट रथ व्हील है जो उन्होंने एक पूरा पत्थर में से बनाया है, तो वहां से ये पूरी इमेज ली है और उसका एक पूरा मीनिंग निकलता है राइट. द व्हील पोर्ट्रेट द साइकिल ऑफ क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड रिलीज and signifies the movement in life across time and space. Matlab samay ke sath chalna hai, hamara jo jeevan hai wo samay ke pahiye ke jaisa hona chahiye. Aapko aapke nation ke sath chalna hai, aapki community ke sath chalna hai theek hai, time ke sath aapko move karna hai, aapko kuch naya create karna hai, preservation karna hai aur usko release karna hai right. So ye jo symbol hai, ye jo logo hai NSS ka, ye aapko ye dikhata hai ki hame samay anusar chalna chahiye, hamari community ke liye hame kuch create karna chahiye, usko preserve karna chahiye right, और उसको रिलीज भी करना चाहिए ठीक है. सो दिस इज द लोगो ऑफ एनएसएसएल और उसका मीनिंग है. अगर आपको पूछता है कि भाई ये जो लोगो है राइट, ये लोगो के अंदर ये जो सिंबल है ये कहां से लिया है, इट इज द जायंट रथ व्हील व्हिच इज टेकन फ्रॉम द कोनार्क सन टेम्पल दैट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक पगोडा सिचुएटेड इन ओरिसा इंडिया राइट. मोटो किसी भी जैसे इंस्टीट्यूट या कुछ भी ले लो तो उसका एक मोटो रहता है राइट. हमारा जो एनएसएस है उसका मोटो है नॉट मी बट यू, मतलब मैं नहीं आप. ये आपके अंदर एक भावना जगनी चाहिए कि भाई मैं अपने स्पेसिफिक गोल के लिए नहीं लेकिन सबके लिए सोचूंगा राइट. दैट इज द मोटो ऑफ एनएसएसएल इज नॉट मी बट यू राइट. हमें हमारे बारे में सिर्फ नहीं सोचना है, हमें सबके बारे में सोचना है राइट. हमारे मन में जो हमारी खुद की जो भावना है उसको निकाल के सबके बारे में सोचना है, सबको साथ लेके चलना है और नेशन के लिए, कम्युनिटी के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ बेटरमेंट के लिए कुछ अच्छा, कुछ नई नई एक्टिविटीज करना है राइट. सो दिस इज द मोटो ऑफ एनएसएसएल नॉट मी बट यू. अब एक्टिविटीज की बात करेंगे फ्रेंड्स. आपके माइंड में जो हमारे एनएसएस वॉलंटियर जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गए हैं, जिन्होंने वो गूगल लिंक ज्वाइन गूगल लिंक है वो फिलअप किया था और हमारे ग्रुप में ऑलरेडी वो लोग है ठीक है. सो एक्टिविटीज कौन कौन सी है जो हम एनएसएस में करने वाले हैं इन फ्यूचर राइट. इन फ्यूचर देर इज अ विलेज विजिट, या आप विलेज विजिट के साथ साथ उसको कैंप भी कह सकते हो. ये सबसे पहली और नेसेसरी एक्टिविटीज है इन द एनएसएस. सो हम ये विजिट, ये जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो भी हम करने वाले हैं. देन एडवेंचर प्रोग्राम्स रहेंगे,
प्लांटेशन हम करेंगे, मेडिकल क्लेम है राइट, मेडिकल कैंप भी करेंगे, नुक्कड़ नाटक फ्रेंड्स, देखो नुक्कड़ नाटक भी है राइट। तो ये नुक्कड़ नाटक के लिए बट ऑब्वियसली सभी स्टूडेंट्स का हमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए, स्टूडेंट है स्टूडेंट ही सब नाटक वगैरह के स्क्रिप्ट लेके आएंगे और ये नुक्कड़ नाटक करेंगे। नुक्कड़ नाटक करना है मतलब हमारे कॉलेज पे कोई स्टेज प्रोग्राम नहीं करना है फ्रेंड्स, ये सोच लीजिए कि ये आपको करना है किसी गांव के अंदर, किसी मॉल के बाहर, किसी रेलवे स्टेशन के आसपास या फिर कोई बस स्टॉप के पास रहा, जहां पे आप ये नुक्कड़ नाटक करके अवेयरनेस दिखा सकते हो या फिर किसी का आप मतलब जो लोग है राइट उनके अंदर कुछ अंधश्रद्धा वगैरह रहती है। जैसे अभी फिलहाल आप वैक्सीनेशन का देख रहे हो तो काफी सारे ऐसे गांव है राइट, आपने भी सुना होगा, अगर आप गांव में रहते हो तो आपने भी सुना होगा जो हमारे मतलब जो बुद्ध जी के बराबर है राइट, जो तुम्हारा दादा दादी के कोई ना भी थ्रू तुम्हें सांभ्यू से गांव में के भाई वैक्सीन लीए तो मरी जवाई बराबर है, घना एवं कीधु कि भाई आ वेक्सिनेशन प्रोग्राम है वस्ती ने ओछी करने एक आखो प्लान है गवर्नमेंट। सो यू जस्ट थिंक के केवी केवी अंधश्रद्धा केवा केवा खोटा जे जे आपणे कहेવાય બરાબર છે વાક્ય દે એ સેપરેટ થઈ રહ્યા છે અને ઘણા ગામોમાં આ બધા સ્પ્રેડ થઈ રહ્યા છે અને અફવા તો તમને ખ્યાલ છે કે દિવસે ના ફેલાય એટલી રાત્રે ફેલાય અને રાત્રે ના ફેલાય એટલી દિવસે ફેલાય બરાબર છે। સો આ બધી અફવાઓ છે અને ઘણી બધી ઇફેક્ટ કરે છે સોસાયટીને બરાબર છે, ઘણા બધા ગામડા એવા છે કે જે અફવાઓને કારણે બરાબર છે ત્યાં વેક્સિનેશન પ્રોપર થતું નથી ને કેટલા બી વેક્સિનેશનના ડોઝ છે એ વેસ્ટ થઈ રહ્યા છે। સો એઝ અ એનએસએસ વોલેન્ટિયર રાઈટ, એઝ અ એનએસએસ સેલ આપણો એ એક ઉદ્દેશ છે કે આપણે એ લોકોને સમજાવવા જોઈએ એની હાવ બરાબર છે। ઘણા ગામમાં તમે જોશો કે લોકો ડાયરેક્ટલી નથી સમજતા તો તમે ત્યાં એમને નુક્કડ નાટક દ્વારા પણ સમજાવી શકો છો। સો ધીસ ઇઝ યોર વર્ક, જો તમે એનએસએસ પીજીએમઆઈટી સેલમાં જોડાઈ ગયા છો તો કોઈ પણ પ્રકારનું વેઇટ કરવાની જરૂર નથી તમારા, તમે ગામડામાં રહ્યા છો અને ત્યાં આવી તમારી આજુબાજુ કોઈ પણ આવી અંધશ્રદ્ધા બરાબર છે અથવા તો રૂમર્સ અફવા ફેલાઈ રહી છે, સો યુ હેવ ટુ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ટુડે કે ભાઈ તમારે એ લોકોને સમજાવવાનું છે કે આ રીતના કોઈ છે નહીં, વેક્સિનેશન શું છે, વેક્સિન કેવી રીતે કામ કરે છે, એમના કોઈ પણ ડાઉટ હોય ધેટ યુ હેવ ટુ ક્લિયર ફ્રોમ ધી ટુડે એઝ અ એનએસએસ વોલેન્ટિયર રાઈટ। બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ પણ આની અંદર આવી જશે, અવેરનેસ પ્રોગ્રામ આપણે જે મેં તમને વાત કરી નુક્કડ નાટકની અંદર તમે શું કરી રહ્યા છો, અવેરનેસ પ્રોગ્રામ કરી રહ્યા છો, ઘણી બધી સ્કૂલોમાં જઈને પણ તમે અવેરનેસ પ્રોગ્રામ કરી શકો છો। ઓલ ધી ડે સેલિબ્રેશન રાઈટ, જીતને ભી સેલિબ્રેશન ડેઝ જો આતે હૈ રાઈટ, ઉનકા સેલિબ્રેશન કરના હૈ ઓર એસી કાફી સારી એક્ટિવિટીઝ હૈ જો હમ કરેંગે રાઈટ। So these are the different type of activities that we are going to plan and हमें साथ मिलके ये करनी है ठीक है। Next uniform, आपको ये होगा कि NSS में हम जुड़ तो गए हैं सर तो हमें कोई यूनिफॉर्म परचेस करना पड़ेगा। सो NSS की अगर बात करें तो there is no uniform for NSS volunteer, कोई यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है ठीक है। आपके पास जो भी कपड़े हैं आप घर से पहन के निकलिए ठीक है, और आप आपकी जो एक्टिविटीज है NSS की वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जीटीयू की बात करें तो जीटीयू के अंदर हमारा जो ये कॉलेज है इसके कॉलेज का जो डीजीएमआईटी एनएसएस सेल है राइट, उसके अंदर हम आप सबको एक जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होगा राइट हमारे एनएसएस सेल में, डीजीएमआईटी के एनएसएस सेल में जो स्टूडेंट ज्वाइन होगा उनको हम एक स्कार्फ देंगे ठीक है। एक ब्लू कलर का स्कार्फ रहेगा ऐसा ट्राइंगल फॉर्म में राइट, और वो ब्लू कलर का ट्राइंगल जो स्कार्फ है दैट एनएसएस वॉलेंटियर कैन यूज जब भी आप किसी एक्टिविटी के लिए जाओगे, किसी गाँव में जाओगे या कहीं पे भी जाओगे ठीक है। तो वो ब्लू कलर का स्कार्फ है, वो ब्लू कलर का स्कार्फ आप आपके कंधे पे रख के राइट या कहीं पे भी आप उसको वाइंड करके जा सकते हो, जो आपकी एक निशानी रहेगी कि आप एनएसएस वॉलेंटियर है ठीक है। इसके साथ साथ हम एक बैच का भी प्लानिंग कर रहे हैं, आपको एक बैच दिया जाएगा राइट, वो बैच है वो आप किसी को भी दिखा सकते हो कि वी आर दी एनएसएस वॉलेंटियर। किसी भी गवर्नमेंट की एक्टिविटी चल रही है राइट, काफी सारी गवर्नमेंट एनजीओ रहती है वो भी काफी सारी एक्टिविटी करती रहती है तो हम उनके साथ कोलाबरेट करेंगे, तो वहां पे अगर आप जा रहे हो तो आपको बैच दिखाना है या फिर आप ब्लू कलर का स्टाफ दिखाओगे कि भाई हम एनएसएस वॉलंटियर है राइट। वैसे तो कोई यूनिफॉर्म नहीं है लेकिन हम ये बैच और ब्लू कलर का स्टाफ का अरेंजमेंट करेंगे जिससे आपकी एक आइडेंटिटी रहेगी कि आप डीजीएमआईटी के एनएसएस वॉलंटियर हो राइट। ड्यूरेशन क्या रहेगा, काफी सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है, जैसे कि फाइनल ईयर में काफी सारे बच्चे हो गए राइट, तो उनको ये नहीं पता कि ड्यूरेशन क्या होता है और इसके बेनिफिट्स हम बाद में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। अगर आप एनएसएस वॉलेंटियर बनते हो तो 2 साल का आपका पूरा एक टेन्योर रहेगा, ये 2 साल के अंदर आपको 240 आवर्स का एक्टिविटी दिखाना है राइट, और अलॉन्ग विथ वन स्पेशल कैंप जो 7 डेज का रहेगा वो आपको किसी भी नियर बाय राइट 8 किलोमीटर के रीजन में, आपके इंस्टीट्यूट के 8 किलोमीटर के रीजन में कोई भी एक गांव है उस गांव में जाके 7 डेज का एक स्पेशल कैंप करना है और उस गांव में काफी सारी एक्टिविटीज करनी है राइट। सो 2 ईयर का ये पूरा एक प्रोग्राम रहता है एनएसएस, और उस 2 ईयर के अंदर राइट 2 ईयर के अंदर आपको 240 आवर्स पे काम करना है। अगर ये आपने फुलफिल कर दिया 2 ईयर एंड 240 आवर्स एंड वन स्पेशल कैंप, तो
आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और ये सर्टिफिकेट जो एनएसएस का है वो आप फ्यूचर में काफी सारी जगह पे यूज कर सकते हो। जैसे कि आप हायर स्टडी में जा रहे हो एडमिशन के लिए तो वहां पे भी आपको इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। आप किसी जगह गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो और वहां में अगर वो गवर्नमेंट जॉब जो है वो एनएसएस के साथ लिंक है राइट, तो ये सर्टिफिकेट है वो आपको काफी यूजफुल करेगा। आपके जो कॉम्पिटिटर रहेंगे अगर उन्होंने एनएसएस एक्टिविटी नहीं की, एनएसएस वॉलंटियर वो लोग नहीं बने राइट, तो उनके कंपेयर में आप एक लेवल आगे बढ़ जाओगे राइट, आप एक स्टेप आगे रहोगे उन सभी से। सो अगेन अगर आप आपका खुद का भी सोच रहे हो कि मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं 2 साल अगर इस एनएसएस में देता हूँ तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और सर्टिफिकेट आपको आगे जाके काफी यूजफुल होगा। लेकिन अगेन मैं यहाँ दोहराना चाहूंगा कि आपके लिए अगर आप ऐसा अपने लिए सोच के ज्वाइन कर रहे हो तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये आपके अंदर उसका जो मोटो आपने देखा नॉट मी बट यू राइट, उसको फॉलो करना है, हमारे लिए ही नहीं लेकिन सबके लिए हमें काम करना है। बेनिफिट्स जैसे आपको सबका होता है कि बेनिफिट्स क्या रहेंगे इसके राइट, तो बेनिफिट्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका खुद का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। अभी सेकंड सेमेस्टर के हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स से जहां पे मैं लेक्चर लेता हूँ और ड्यूरिंग लेक्चर में उनको कुछ भी सवाल या कुछ भी पूछता हूँ तो देयर इज नो फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स। कोई बच्चा ठीक से ढंग से आंसर ही नहीं दे पाता या फिर कुछ भी बोल तक नहीं बता पाते वो लोग, ठीक है। स्पेशली सेकंड सेमेस्टर के जो अभी हमारे साथ जुड़े उनकी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो लोग कुछ बोलते ही नहीं है राइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग ऐसे अभी कम्युनिटी के साथ जुड़े नहीं है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे रिस्पॉन्स देना है राइट, वो कुछ पता नहीं होता है। तो जैसे जैसे अगर आप एनएसएस में जुड़ते हो, एनएसएस की एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो डे बाय डे आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट में चली जाएगी। मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब क्या कि ढंग से बात करना, कम्युनिकेशन करना राइट, किसी से बात करनी है, कैसे बिहेव करना है, एवरीथिंग यू डेवलप इन दी एनएसएस एक्टिविटी। सो फर्स्ट बेनिफिट आपका रहेगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा कि आपकी पर्सनालिटी है वो धीरे धीरे डेवलप हो गई। आप जो शाई माइंड के थे जिनसे बात नहीं कर पा रहे थे वो सब आपका रिमूव हो जाएगा। सेकंड वन इज द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनोगे, बट ऑब्वियसली अगर आप गाँव के लिए काम कर रहे हो, अपने गाँव में रह रहे हो, अपने गाँव के लिए काम कर रहे हो तो आपके गाँव में जितने भी हो गए राइट, वो आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन समझेंगे कि भाई नहीं ये तो अच्छा काम कर रहा है राइट। जैसे कि कोई भी फॉर्म फिलअप है तो गाँव में किसी पर्सन को फॉर्म फिलअप करना नहीं आता, तो आप एनएसएस वॉलेंटियर के जरिए आप बोल सकते हो लाओ मैं आपको हेल्प कर देता हूँ एंड यू फिल द फॉर्म राइट। ब्रेव पर्सन, आप ब्रेव पर्सन बनोगे। स्टूडेंट कैन गेट सम वेटेज इन एडमिशन फॉर हायर स्टडी, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस पीपीटी में बताया, स्लाइड्स में बताया कि अगर आप हायर स्टडी के लिए जा रहे हो तो वहां पे आपको कुछ मार्क्स भी, कुछ वेटेज यहाँ पे अगर आपके पास एनएसएस का सर्टिफिकेट है तो वो वहां पे आपको मिलेगा, क्लियर। सो दिस आर दी बेनिफिट्स, आपको हायर स्टडी में भी काफी यूजफुल रहेगा अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो, ठीक है। देन इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, दिस इज द मोस्ट रिक्वायर्ड। काफी सारे बंदे आज आप देखो तो जिम वगैरह जाते हैं, ठीक है, और काफी स्टूडेंट्स की आप मेंटल हेल्थ भी देखो काफी वीक रहती है राइट। तो अगर आप ये सारी एक्टिविटीज करते हो तो बट ऑब्वियसली आपका फिजिकल जो है राइट, वो फिजिक्स भी काफी अच्छा रहेगा राइट बॉडी वाइज, और आपका मेंटल स्ट्रेंथ है वो भी इंप्रूव होगा। कैसे, वो मैं आपको एक्टिविटी कौन कौन सी है वो एक फोटो के जरिए भी दिखाऊंगा जो हमारी कॉलेज में प्रीवियसली हुए थे, और दूसरी कॉलेज की जो एक्टिविटीज है वो मैं आपको दिखाऊंगा फोटो के जरिए राइट। सो वहां पे आप देख सकते हो कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, और इन्हेंस करेगा, इंप्रूव करेगा, इन्हेंस करेगा, बढ़ाएगा। क्या आपका बढ़ाएगा? आपके लीडरशिप का एक पूरा टूल है जो वो आपको इन्हेंस होगा, आपकी टीम स्पिरिट बढ़ेगी राइट। आप सभी को साथ में काम करना है तो आपकी टीम स्पिरिट बढ़ेगी, आपका लीडरशिप बढ़ेगा राइट। लीडरशिप बढ़ेगा मतलब आगे जाके क्या पता आप काफी एक बड़े मैनेजर की पोस्ट पे चलेगे तो वहां पर अच्छे से लीड कर पाओगे राइट। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिक्स में जाना चाहिए तो पॉलिटिक्स में अच्छे से वो लीड कर पाएंगे। सो लीडरशिप का जो टूल है वो टूल आप में डेवलप होगा इफ यू ज्वाइन दी एनएसएस राइट। सिर्फ ज्वाइन नहीं करना है, ज्वाइन के साथ उसकी एक्टिविटीज भी करनी है। टीम स्पिरिट बढ़ेगा, आपको साथ में काम करना है तो एक दूसरे से टीम में कैसे काम करना है राइट, वो भी आपको टीम स्पिरिट आपका इनहेंस होगा। एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ये भी आपका डेवलप होगा, ये कहीं पे आपको कोई बुक्स के अंदर नहीं सिखाया जाएगा राइट। आपको कोई बिजनेस वगैरह करना है राइट, तो वहां पे कैसे बिजनेस करना है, रिस्क इज द बिग फैक्टर राइट। रिस्क है तो इश्क है, हर्षद मेहता का ये डायलॉग वेब सीरीज अगर देखी होगी, रिस्क है तो इश्क है। तो रिस्क कोई लेना नहीं चाहता है, तो रिस्क लेने के लिए भी आपके अंदर वो गट्स होना चाहिए। और गट्स कैसे आएगा कि अगर आप एनएसएस में ज्वाइन होते हो तो काफी सारी एक्टिविटीज ऐसी होती है जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट। सो डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ वन टाइप ऑफ टूल जहां पे अगर कैसे भी देखो अभी कुछ भी अनहोनी हो जाती है और हमारी जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट हमें एज ए एनएसएस वॉलंटियर आप सभी को बुलाएंगे और वहां जाके हमें हमारी एक्टिविटी है, हमारा जो हेल्प, हमारे जो उनको चाहिए वो हमें प्रोवाइड करना है। सो वहां पे भी रिस्क टेकिंग है,
वो काफी है, आपकी जो कैपेसिटी है रिस्क लेने की वो भी बढ़ेगी। क्लियर? सो दीज आर दी बेनिफिट्स। मैं आपको अभी कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, राइट? दीज आर दी सम पिक्चर्स, हियर यू कैन सी, ये सारी एक्टिविटीज है राइट जो हमें परफॉर्म करनी है। यहाँ पे ये फर्स्ट फोटो में आप देख सकते हो हियर, राइट? ये लोगों ने क्लीनलीनेस ड्राइव किया है, ठीक है? ये आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो। दीज आर दी पेपर बैग्स। ये क्या है? ये एक कागज में से, जो कागज जो वेस्ट मटेरियल होता है उस कागज में से उन लोगों ने क्रिएटिव पेपर बैग बनाई है और इस पेपर बैग का उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, राइट? आपको वैसे पता है कि एनवायरमेंट कंसर्न अगर आप करोगे, प्लास्टिक बैग है वो बैन कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने, तो प्लास्टिक बैग बैन की है तो उसके ऑप्शन में क्या, तो अगर हम एनएसएस में है तो ऐसा पेपर बैग बना के सबको अवेयर कर सकते हैं कि भाई अभी प्लास्टिक का यूज कम कीजिए और यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ पेपर बैग, राइट? Here you can say this image, यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफी सारे एनएसएस वॉलेंटियर है, उन्होंने क्या किया है कि जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, राइट, तो प्लास्टिक वेस्ट को उन्होंने कलेक्ट किया है। मतलब आप देख सकते हो कि ये जो मॉनसून सीजन आता है तो काफी सारी ये जो कैनाल जो गटर वगैरह रहती है, राइट, तो वो ये प्लास्टिक के कचरे से क्या होते थे, लॉक हो जाती है। तो इन लोगों ने ये जो एक पूरा कॉलेज है उन्होंने क्या किया, एक प्लास्टिक का पूरा कलेक्शन किया है, जो वेस्टेज रहता है सड़कों पे पड़ा होता है, रेलवे स्टेशन पे पड़ा रहता है, राइट, जनरल जो प्लेसेस होते हैं वहां से उन लोगों ने ये प्लास्टिक कवर को कलेक्ट किया है। सो दीज आर दी एक्टिविटीज वी कैन परफॉर्म, राइट? हियर यू कैन सी ये एनएसएस जो भी कॉलेज का है उन्होंने पेपर बैग का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो आपके गांव में भी हम हमारे कॉलेज में ऐसी एक्टिविटी करेंगे, पेपर बैग बनाएंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर? दिस इज दी फोटो ऑफ ब्लड डोनेशन। आप देख सकते हो ब्लड डोनेशन कैंप किया है एनएसएस सेल ने, राइट? तो ऐसी भी एक्टिविटी हम करने वाले हैं इन फ्यूचर हमारे यहाँ। आपकी काफी स्टूडेंट की काफी हेल्प चाहिए इन दिस, राइट? दिस इज द अगेन द फोटो ऑफ ब्लड डोनेशन कैंप, राइट? दिस इज द फोटो ऑफ ओथ। काफी सारी ओथ वगैरह लेनी होती है जो गवर्नमेंट के जरिए आता है, राइट, सत्र वगैरह, तो हम ओथ टेकिंग है वो भी करेंगे, डे सेलिब्रेशन भी आप कह सकते हो, राइट? दिस इज द क्लीनलीनेस ड्राइव। सबसे पहले तो शुरुआत हमें हमें से करनी है कि भाई हमारा कॉलेज है तो हमारे कॉलेज के अंदर क्लीनलीनेस होनी चाहिए, तो हम क्लीनलीनेस ड्राइव भी करेंगे। शुरुआत हमारी कॉलेज के अंदर से करेंगे, फिर उसके बाद हम बाहर के कुछ गांव है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, राइट, तो वहां पे जाके भी देखो क्लीनलीनेस करना, ऐसा नहीं कि हम जाके साफ करेंगे, लेकिन हमें देख के कोई और अगर एक बंदा भी इंस्पायर होता है ना हमसे, तो वो काफी अचीवमेंट कहलाएगा हमारे लिए कि भाई हम रेलवे स्टेशन पे गए हैं, रेलवे स्टेशन पे जाके अगर हमने क्लीनलीनेस ड्राइव किया है, राइट, तो हमें 10 लोग देखेंगे कि भाई ये लड़के, ये यूथ है, ये क्या कर रहा है, राइट, तो उनको हमें देख के वो लोग भी इंस्पायर होके कि भी नहीं, ये कचरा कहीं पे भी नहीं फेंकना चाहिए, राइट? तो हमें बस यही करना है, हर एक के दिमाग में जो आम आदमी है उनके दिमाग में ये बात डालनी है कि भी क्लीनलीनेस रखनी चाहिए। और वो कैसे आएगी, तो वो सबसे पहले तो हम परफॉर्म करेंगे तभी तो और समझेंगे। सो हम इन फ्यूचर क्लीनलीनेस ड्राइव भी करेंगे, और ऐसा नहीं है कि हम हमारे कैंपस में, हम बाहर भी जाएंगे, रेलवे स्टेशन वगैरह है, राइट, जो लोकल प्लेसेस रहते हैं वहां पे जाके भी पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग दी क्लीनलीनेस, ठीक है? तो ये सारी एक्टिविटीज करनी है, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लीनलीनेस ड्राइव चल रहा है किसी कॉलेज का, इट इज ऑन द रेलवे स्टेशन, राइट, एक रेलवे स्टेशन है वहां पे ये लोग ये क्लीनलीनेस ड्राइव चल रहा है, ठीक है? दिस इज द फोटोग्राफ्स ऑफ अवर कॉलेज। हमारी कॉलेज में 2-3 साल पहले ये एक विलेज विजिट हुआ था और वहां पे एक एनएसएस का कैंप हुआ था। सो दिस आर द सीनियर्स ऑफ योर, राइट, हमारी कॉलेज के सब सीनियर्स है। You can see, वहां पे ये जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट था, जो गांव रहते हैं वहां पे गवर्नमेंट ने पूरा प्रोजेक्ट डाला था कि वहां पे जो टॉयलेट वगैरह रहते हैं वो टॉयलेट क्रिएट करने हैं, गांव के अंदर टॉयलेट्स बनाने हैं। सो हमारे कॉलेज में से काफी जो एनएसएस वॉलेंटियर रहे थे उस टाइम पे, वो सब उस गांव में गए थे और वहां पे जाके उन्होंने अपनी हेल्प की थी, अपना कंट्रीब्यूशन दिया था टू डेवलपिंग दी टॉयलेट्स इन दी विलेजेस, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे स्टूडेंट ने कितनी मतलब आप देख सकते हो, ये देखो ये सिविल के स्टूडेंट्स हैं, उनको जो भी जितना भी पता था, दे आर इन्वॉल्विंग एंड दे आर हेल्पिंग टू डेवलप दिस टॉयलेट्स इन द विलेज, राइट? सो दिस आर सम ग्लिम्पसेस यू कैन सी हियर, राइट? ये सब देखो आप, ये सारी एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी है वहां पे, राइट? पूरे दिन रहना है, खाना पीना सब वहीं पे रहेगा, राइट? सो दिस आर द एक्टिविटीज दैट यू कैन परफॉर्म इन द एनएसएस करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम चलो तो हम चले, तुम चलो तो हम चले, ये काफी अच्छा स्लोगन है और आपको ये वाला सॉन्ग मैं अभी रिप्रेजेंट करूंगा, जस्ट वॉच दैट।
सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है। सर आइए सर। एक कल्चर चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाल करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे। पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, ऊपर से पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। हेलो। सो जैसे कि आपने सॉन्ग देखा होगा, पहले भी देखा होगा, लेकिन आज ये सॉन्ग देखने के बाद आई एम श्योर कि कुछ आप में झंझनाटी कुछ बॉडी में हुआ होगा, जिससे आपको थोड़ा राइट गूज़बम मिला होगा। आप आगे जाके जैसे कि तुम चलो तो हम चले और हम चलेंगे तो हिंदुस्तान बदबी चलेगा, राइट। सो होपिंग पॉजिटिव एंड द एम ऑफ दिस प्रोग्राम और अवेयरनेस, राइट, दैट टू अवेयर द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द NSS, राइट। सो we are ending the PPT. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of other, right? This is the very very best slogan we can say to motivate the others, right? कि भाई अगर NSS में आप हो तो दूसरे के लिए काम कीजिए, अपने के लिए नहीं, ठीक है? So thanks to all.